हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे आप वो सेकंड हैंड कार ले सकते हो जो यूज़ की हुई है। देखो दोस्तों, मैंने जन खरीदी है 2014 में, सेकंड हैंड 99 मॉडल है इसका। मतलब ये प्रोड्यूस हुई थी 99 में, तथा अब ये हो गया है 2014 को जब मैंने खरीदा था सेकंड हैंड, 70,000 की खरीदी थी। तो कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको कार खरीदते हुए ध्यान रखनी है। नंबर एक पे सबसे जरूरी बात कि अपने साथ एक मैकेनिक को रखिए। क्या कार ख़राब तो नहीं, क्या कार का इंजन सही है, तथा अगर आपको कार अच्छी तरह से चलानी नहीं आती तो मैकेनिक चला के देखेगा। अगर आपको कार चलानी आती है, उसको कुछ किलोमीटर तक आप चलाइए, उसके गियर चेक कीजिए, उसके ब्रेक चेक कीजिए, उसके क्लच चेक कीजिए, उसके टायर चेक कीजिए, वो कितनी कीमत देने दे रहा है। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप, अब उसके ओनरशिप के डॉक्यूमेंट देखिए। आजकल बहुत अच्छा हो गया, हर इंसान के पास एक कार्ड है, आरसी का उसका नंबर है। किसी भी मिनी सेक्रेटरीट में जाकर, जहाँ ट्रांसपोर्ट का ऑफिस है, वहाँ आप नंबर बताइए आरसी, तो उस व्यक्ति का नाम आ जाता है जिसके नाम पे वो कार होती है। तो हमें पता लग जाता है जो आरसी भी लिखा है, नाम उसके नाम पे, वो बेचना चाहता है, वो मालिक है। तो तीसरी बात, आपने उसके साथ निगोशिएशन करना है कि वो कितने की कार बेचना चाहता है, क्योंकि जिससे मैंने खरीदी थी उसने भी आगे 70,000 की खरीदी थी और बिना प्रॉफिट कमाए मुझे 70,000 की दे दी कार उन्होंने। तो इसमें हमने कोई निगोशिएशन करने वाली कोई बात नहीं थी, हमारे घर के ही फ्रेंड सर्कल में थे वो, तो आपने ही ऐसे ही करना है। तो उसके बाद जो अगला स्टेप आएगा, आपने उसका नाम अपने नाम पे रजिस्ट्रेशन जो आरसी है वो ट्रांसफ़र कर दिया। कार की मलकियत आपकी नहीं होती जब तक आप सेकंड हैंड कार का नाम जो है अपने नाम पे नहीं कराते। अब जो आरसी है वो अब मेरे नाम पे है, तो निगोशिएशन के बाद जो आरसी आपके नाम पे बन जाएगी। बट उससे भी पहले एक बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए, चाहे मालिक कार का वही है, बट कभी कभी कार को लोन पे लिया जाता है तथा वो बेचना चाहता, किस्त नहीं दे सकता, तो आपको जिस फाइनेंस कंपनी से उसने लोन लिया है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। क्योंकि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि क्या वो टाइम पे किस्तें दे रहा है। अगर वो टाइम पे किस्तें नहीं दे रहा, तो जो अधिकार है उस कार के ऊपर, चाहे सेकंड हैंड है, वो फाइनेंस कंपनी का है। अगर आप उसके साथ डील कर लोगे, कल को फाइनेंस कंपनी उसको टुच लगा के यहाँ से उठा के ले जाएगी, आप क्या कर लोगे। इसलिए ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना चाहिए, तथा कोशिश करनी चाहिए जो आपकी कार है ना, बहुत सस्ते वाली ना हो, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, क्योंकि बिल्कुल कंडम होगी, आ तो वो चला के दे देगा। कुछ उसमें होने के लिए कम से कम 50,000 प्लस की कार हो, 1,00,000 प्लस की हो। जब मैंने ये 70,000 की ली थी, उसके ऊपर 30,000 मेरा खर्चा और लगा। मैंने इसके सभी सर्विस कराई, इसमें बैटरी डाला और जो भी खर्चे थे, एसी की खराब थी, लगभग लगभग 30,000, 1,00,000 की अब ये कार है। बहुत अच्छी चलती है, नॉन स्टॉप चलती है, 80-90 की नॉन स्टॉप ये स्पीड चलती है, उसके बाद कोई इतना खराबी भी नहीं हुई। तो अच्छी कार खरीदी है, सेकेंड हैंड भी लेनी है आपने, तथा कोशिश कीजिए अगर ज़्यादा आपका दूर का सर्कल नहीं है तो पेट्रोल वाली कार लीजिए, क्योंकि पेट्रोल वाली जो कार होती है उसका इंजन मजबूत रहता है। अगर वो 20 साल पुरानी भी है तो उसका इंजन सुपर हिट होगा, जो डीजल वाली कार होती है उसका इंजन छेती ख़राब हो जाता है। ओके, तो ये कुछ बातें मैं आपके लिए बताई, आपके ही क्वेश्चन के जवाब के क्वेश्चन आने के बाद। ओके।